गुड मॉर्निंग माय डियर होम्योपैथ। आज हम लोग एक बच्चे के केस को डिस्कस करेंगे और उसके माइंड सिम्टम्स को समझने की कोशिश करेंगे। इस केस को लेकर हम लोग यह समझेंगे कि माइंड सिम्टम्स को किस तरह ऑब्जर्व करना है, अपने फेल्योर की मिस्टेक को सुधारते हुए किस तरह सक्सेस में बदलना है और अपने केस टेकिंग को ज़्यादा किस तरह सुधारना है। बॉय पेशेंट, एज 10 ईयर्स, सफरिंग फ्रॉम रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस विथ फीवर एंड हेडेक एंड आल्सो रिकरेंस ऑफ पस एंड ईचिंग इन द ईयर्स। दिस बॉय पेशेंट वाज ब्राउट टू मी बाय हिज मदर अबाउट 6 or 7 मंथ्स एगो। द चाइल्ड वाज नॉर्मल इन बिहेवियर, नो फियर, नो नर्वसनेस, नो एनी अदर सिम्टम्स लाइक दिस। I asked the boy but did not get any marked mind symptoms. Then I asked the mother of the patient the behavior during health and during the episode of the disease. बच्चे की माँ ने कहा कि जब तकलीफ चालू हो जाती है तो बच्चे के अंदर एक तरह की घबराहट रहती है, वह एक ही पोजीशन में ज़्यादा नहीं रहता है, कभी इधर करवट बदलता है, कभी उधर करवट बदलता है, कभी इधर घूमता है, कभी उधर घूमता है, कभी सो जाता है, ज़्यादा टाइम बिस्तर पर ही लेटा रहता है। उस समय पानी की प्यास भी ज़्यादा लगती है, बार बार पानी पीता है और वो भी आधे गिलास से ज़्यादा पानी पी जाता है, कभी कभी एक गिलास पानी भी पी जाता है। उस समय उसका मन भी अच्छा नहीं रहता है, बहुत जल्द चीर जाता है। नाउ वी ट्राई टू कन्वर्ट द एक्सप्रेशन ऑफ द पेशेंट व्हाट हिज मदर सेड इनटू द रूब्रिक्स। रूब्रिक नंबर 1, रेस्टलेसनेस इंटरनल। नंबर 2, इरिटेबिलिटी विथ रेस्टलेसनेस। नंबर 3, बेड रिमेन टू डिजायर इन बेड एंड साइलिसिया इज द ओनली मेडिसिन कवरिंग ऑल दीज 3 सिम्टम्स। सो साइलिसिया वॉज प्रेस्क्राइब बट इट डिडंट वर्क वेरी गुड, इट वर्क वेरी पार्शियल। सो आई ट्राइड वंस अगेन फॉर री केस टेकिंग। आई स्टार्टेड कन्वर्सेशन विद द बॉय पेशेंट बट आई कुड नॉट फाइंड एनी मार्क इन्फॉर्मेशन। बच्चे से जब भी मैं कुछ पूछता था तो वह रिप्लाई देने के साथ साथ एक तरह की लाइटली या एक तरह की सिंपली अपने आप को छुपाने की कोशिश करता था। मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं उसके लिए अपरिचित हूँ, इसीलिए मुझसे खुलकर बात नहीं कर रहा है, और शर्म के साथ अपने आप को या यूँ कहे कि अपने आप को अपने में छुपाने की कोशिश कर रहा था। बहुत सी बातें, बहुत सारे एक्सप्रेशन शब्दों में बताना कुछ मुश्किल हो जाता है। बीच में कुछ ऐसा हुआ कि बच्चे ने अपनी माँ से कहा कि आज मैं शाम को ट्यूशन नहीं जाऊँगा, पर उसकी माँ ने कुछ खास ध्यान नहीं दिया। मैंने बच्चे से पूछा कि ट्यूशन क्यों नहीं जाना चाहते हो, तो बच्चे ने कहा कि वहाँ पर सारे बच्चे मुझे सर्दी वाला कहकर चिढ़ाते हैं। फिर मैंने बच्चे से पूछा कि ऐसा बोलकर चिढ़ाते हैं तो क्या हुआ। बच्चे ने कहा कि ऐसा बोलने से मुझे अंदर से बहुत ख़राब लगता है। फिर मैंने बच्चे की माँ से कन्फर्म किया तो उसने भी कहा कि यह बच्चा इस तरह की बातें बहुत बार कहते रहता है, पर मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ। नाउ वी अगेन कन्वर्ट द एक्सप्रेशन ऑफ द पेशेंट इन टू द रूब्रिक्स। नंबर 1, embarrassment feeling of. Number 2, delusion being laughed at or mocked at. Number 3, hiding himself in children. The medicine Berita carb was selected on the totality of symptoms after repertorization, and this medicine worked wonderfully, gave excellent result. Na to mujhe medicine ko repeat karne ki zarurat padi और न उसकी पोटेंसी को ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़ी। नाउ वी ट्राई आवर बेस्ट
to study all these rubrics one by one. Number 1. Embarrassment, feeling of. इसमें पेशेंट एक तरह का डिस्कम्फर्ट अनुभव करता है, एक तरह का लज्जा का भाव पेशेंट के मन में आ जाता है। इस बच्चे ने कहा कि जब दूसरे बच्चे मुझे सर्दी वाला कहकर चिढ़ाते हैं तो मुझे अंदर से बहुत खराब महसूस होता है, लज्जा का भाव अनुभव होता है। द नेक्स्ट रूब्रिक डिल्यूजन बींग लाफ्ड एट, मॉक्ड एट। लाफिंग का मतलब तो हमें समझ में आता है, मॉकिंग का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना, किसी का परिहास करना। दूसरे बच्चे इस बच्चे का सर्दी वाला कहकर मजाक उड़ाते हैं, उसका परिहास करते हैं, परंतु यह सब डिल्यूजन में है। द नेक्स्ट रूब्रिक हाइडिंग हिमसेल्फ इन चिल्ड्रेन। आई थिंक देर इज नो नीड ऑफ एक्सप्लेनेशन एज द रूब्रिक इज वेरी क्लियर। Now, regarding stranger, there are so many important rubrics in our repertory which we apply frequently. Jaise ki company aversion to, in the presence of stranger, embarrassment in the presence of stranger, fear of stranger, presence of stranger aggravates, anxiety in the presence of stranger. This last rubric present only in synthesis repertory, having 4 medicines only. So this is also very important. ऊपर के rubrics hiding वाले और stranger वाले बहुत सहायक होते हैं जब हम एक medicine को दूसरी medicine से differentiate करते हैं. So these are very very important. Okay, my dear friends, see you again with some new medicine, with some new rubrics.